रिप्रेजेंटेशन रूल लो का जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास है ना यहाँ पर टोटल तीन इक्वेशंस हैं। पहली तो हमने निकाला कौन सा, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। और तीसरी इक्वेशन आप पढ़ के आए थे टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, पी वन प्लस पी टू। आ गया समझ में, उन दोनों को जोड़ के रख दो। और एक्स वन एक्स टू के, एक्स वन और एक्स टू क्या होते हैं बेसिकली, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये तीन इक्वेशन के हिसाब से जो ग्राफ बनता है रूट लो का, देखो पहली जो दो लाइंस हैं, ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये तो क्या है y इक्वल टू mx, ये ऐसी लाइंस है जो कि ओरिजिन से निकलती हैं। जबकि ये क्या है, टोटल ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं निकलेगी, इन दोनों के समेशन के बराबर है। तो आप रख के देख लो मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर तीन लाइन की इक्वेशन बनानी है, तीन लाइन को रिप्रेजेंट करना है यहां पर। तो कैसे है, दो लाइन तो आपकी ओरिजिन से निकलती है, एक ओरिजिन ये रहा, एक ओरिजिन ये रहा। आ गया समझ में, दो ओरिजिन है आपके पास। तो तीनों लाइन को इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यहां पर है ना एक्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन इस तरह से, इस तरफ से वेरी करते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी। अगर ओरिजिन ये है तो यहां से यहां तक, और अगर ओरिजिन इसको माना है तो यहां से यहां तक। और यहां पर क्या लिख रहे हो, पार्शियल प्रेशर। आप अलग अलग तरह से ग्राफ बना सकते हो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझ ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास लाइन वन का ग्राफ बनाना है, मैं बोलता हूं ये x1 है, x1 की वैल्यू यहां जीरो है और यहां पर x1 की वैल्यू क्या है, वन है। तो ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखो, x1 की वैल्यू जीरो से लेके वन तक है, तो ग्राफ उसका कुछ होगा यू, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से मैं बोलूँ सेकेंड लाइन का ग्राफ बनाना है, अब मान लो यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, जीरो, और यहां से यहां तक बढ़ती है x2 की वैल्यू वन, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। समझ में आ गया। और इन दोनों ग्राफ के समेशन को क्या बोलते हैं बेसिकली, टोटल, टोटल प्रेशर पीटी का ग्राफ ये होता है। ये आपके रोल्ट लो का ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से। अब ये ऐसा ग्राफ है, इसको कौन फॉलो करता है, आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन इसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हुआ तो, नॉन आइडियल हुआ अगर सॉल्यूशन, तो या तो वो इस ग्राफ को फॉलो करते हुए नहीं करते हुए ऊपर से निकल जाएंगे, या फिर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हुए नीचे से जाएंगे। या तो ये बनेगा या ये बनेगा, समझ में आया। इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, या तो उनके ग्राफ ऊपर से निकलते हैं या उनके ग्राफ नीचे से निकलते हैं, समझ में आया। या उनकी वेपर ज्यादा बनती है या उनकी वेपर कम बनती है, या वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं या फिर वो नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं, समझ में आया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पर आपको मैं बता दिया है रोल्ट लो, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, यहां पर देखो ये ग्राफ बना हुआ, आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्ट लो के ग्राफ को स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। लेकिन और यहां पर क्या होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है, आइडियल ग्राफ है, तो मतलब क्या है उसका, मतलब यह है कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया था तो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए ए के इंटरेक्शन और बी बी के इंटरेक्शन के जैसा ही है, समझ में आ गया। तो ये इनकी खास बात है। लेकिन पॉजिटिवली डेविएटेड का क्या मतलब है, सो और एक और बात यहां पर लिखा हुआ, उनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू भी जीरो होता है और डेल्टा वी का वैल्यू भी जीरो होता है, टोटल चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगी, टोटल चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होगा, समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन को जब आप टोल्यूइन में मिक्स करते हो या फिर एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स करते हो, तो ये एक जैसे दिखते, देखो बेंजीन टोल्यूइन एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। So we'll talk about non-ideal solution. सबसे पहले पॉजिटिवली डेविएटेड, जो ग्राफ ऊपर से जा रहे हैं, देखो ऊपर से जा रहे हैं, are you getting my point? So positively deviated graphs हैं. Is this clear? यहाँ पर क्या खास बात है, वेपर ज्यादा बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो इंटरेक्शन है वो काफी वीक है एज कंपेयर टू ए ए एंड बी बी, क्योंकि वेपर ज्यादा बन रही है, दे हेट ईच अदर, हेट ईच अदर तो ही तो वेपर ज्यादा बनेगी, समझ में आया। यहां पर मजे की बात है, क्योंकि पॉजिटिवली डेविएटेड है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है और डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जीरो से ज्यादा ही है। फाइनली एग्जांपल के तौर पे दे हेट ईच अदर, एसेटोन कभी भी प्यार नहीं करता इथेनॉल, एसेटोन इथेनॉल में नहीं घुलेगा, एसेटोन सीएस2 में नहीं घुलेगा, वाटर मिथेनॉल में नहीं घुलता है। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स वेयर यू कैन फाइंड आउट दीज आर पॉजिटिवली डेविएटेड, समझ में आ गया। सो विल टॉक अबाउट नेगेटिवली डेविएटेड, नेगेटिव का मतलब वेपर कम बनेगी, नीचे की तरफ होंगे उनके ग्राफ, समझ में आ गया, रोल्ड से नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, वेपर कम बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए ए और बी बी से ज्यादा है, तभी तो कम बन रही, अगर वेपर कम बन रही इसका मतलब प्यार ज्यादा है, मतलब वेपर कम बनेगी अगर आप हीट दोगे तो, समझ में आया।
और उनके डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, नेगेटिवली डेविएटेड है, डेल्टा बी का वैल्यू भी लेस देन जीरो होगा, नेगेटिवली डेविएटेड है। और एग्जांपल के तौर पे एसेटोन एनिलीन दे लव ईच अदर, एसेटोन क्लोरोफॉर्म दे लव ईच अदर, CH3OH एंड CH3CWH दे लव ईच अदर। सो ये दो, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, दे हेट ईच अदर, नहीं घुलते, और ये आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया।